अगर आपको 1,000 रुपये दे दिया जाए और बताया जाए कि आपको खर्च करना है, तो आप शायद बहुत रिसर्च करेंगे, आप 4 लोगों से पूछेंगे और न्यूज़पेपर आर्टिकल देखेंगे, गूगल करेंगे कि ये 1,000 रुपये 2,000 कैसे बनेगा, 4,000 कैसे बनेगा, सो दैट आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न अच्छा कैसे आएगा, वो ग्रो कैसे करेगा, उसमें खुशी कैसे आपको मिलेगी। जब करियर चूज करने की बात आती है तो हम शायद उतना भी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तुरंत डिसाइड कर लेते हैं। पापा ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला, नेबर्स ने क्या किया, फ्रेंड्स ने क्या किया, स्कूल के टीचर क्या बोल रहे हैं, ये सब हमारे करियर को डिफाइन करता है, ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम क्या चूज करें। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, आप किस में ग्रो करेंगे, आपको किस में खुशी मिलेगी, आपका लॉन्ग टर्म करियर क्या होगा, ये शायद हम नहीं देखते हैं। तो आज हम एक ऐसे अप्रोच के बारे में बात करेंगे जो साइंटिफिक अप्रोच है, जो सिर्फ इससे सुनना उससे सुनना नहीं है, आप डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू वांट टू डू, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका करियर कैसा हो। तो आज हम एक 5 स्टेप अप्रोच के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा यू विल बी एबल टू डिफाइन योर करियर, यू विल बी एबल टू चूज दैट विच इज द बेस्ट करियर फॉर यू। और इस 5 अप्रोच को मैं बोलता हूं बेस्टो, एक फॉर्मूला होना जरूरी है ना, बेस्टो, BEST, बेस्ट ओ, सो बी मीन्स बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, ई इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एस इज स्वॉट एनालिसिस, टी इज द लाइक्स डिसलाइक्स योर इंटरेस्ट, दीज 3 एरियाज, एंड फाइनली ओ इज अपॉर्चुनिटीज। ये फर्स्ट जो बेस्ट है, इट इज अबाउट यू, आप क्या चाहते हैं, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट कि मार्केट में क्या अवेलेबल है। जैसे मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट वो मुझे मिलना भी चाहिए, वो मार्केट में अवेलेबल भी होना चाहिए। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, बट आपका 60% मार्क्स नहीं है और आप IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो चांसेस बहुत कम है कि आपको एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल पाएगी। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप लिख लीजिए, और मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो मैं भी आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं उसको आप एक पेन पेपर पे लिखिए। दिस विल बी ए वन टाइम एक्सरसाइज विच विल हेल्प यू लाइफ लॉन्ग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ वो नहीं है जो आपने लास्ट में पास की है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग किया है, बट उसके साथ साथ आपने सोशल मीडिया में डिप्लोमा किया है या डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा किया है, तो ऐसे सारे कोर्सेज की एक लिस्ट बनाइए और आप देखेंगे ये सारे कोर्सेज भी आपको कैसे आपके करियर चूज करने में हेल्प करेगी। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स दोनों ही आपको लिखने होंगे। सिर्फ सिर्फ टेक्निकल स्किल्स लिखने से लिखना सफिशिएंट नहीं है, आपकी हार्ड स्किल क्या है, आपकी सॉफ्ट स्किल क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केटिंग में MBA किया है और आप सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब करना चाहते हैं, बट आप इंट्रोवर्ट हैं, यू डोंट लाइक टू टॉक टू टू मेनी पीपल, योर कम्युनिकेशन इज नॉट वेरी गुड, आप लोगों से इंटरेक्ट करना कम पसंद करते हैं, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स को आप लिखिए। डोंट जज योर सेल्फ, राइट वॉट एवर यू फील अबाउट योर सेल्फ। मेनी ए टाइम्स बहुत समय कुछ लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, दैट मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे में तो सारे क्वालिटीज़ है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो बहुत डरे डरे से रहते हैं और अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। तो ऐसे केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये लिखिए कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचती है, वो एक राइट असेसमेंट होगा आपके बारे में। सो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके कॉलेज मेट्स, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, उस चीज़ों को आप लिखिए। सो ऑल द बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, बोथ हार्ड स्किल्स एज वेल एज सॉफ्ट स्किल्स, शुड बी रिटन डाउन। द नेक्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस। नाउ स्वॉट एनालिसिस के के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि सपोज मान लीजिए आप स्ट्रेंथ लिख रहे हैं, तो स्ट्रेंथ में आपको ये लिखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके कनेक्शंस कितने हैं, आप किस सोसाइटी में रहते हैं, और प्रॉब्ली कौन कौन से लोगों को आप जानते हैं जो आपको जॉब पाने में हेल्प कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बड़े सिटी में रहते हैं और आपके फादर एक अच्छे पोजिशन पे, तो ऑब्वियसली आपकी नेटवर्क और आपकी जो सर्किल होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, प्रॉपरली हेल्प कर सकते हैं जॉब पाने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स को
आप किसको जानते हैं, आपके क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे लोग जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं और जो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो सारा कुछ लिखिए। द सेकेंड इज थ्रेट्स। सो कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केटिंग में MBA किया है, बट आप इंट्रोवर्ट हैं, आप लोगों से बात करना आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, या आपकी एबिलिटी नहीं, ये नेचुरली आपको नहीं आता है। सो दिस कुड बी प्रॉब्ली वीकनेसेस विच यू माइट है। अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अगर आप बड़े सिटी में हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप रिलोकेट हो सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ को आपको लिखना होगा और थ्रेट्स भी लिखना है। सो थ्रेट्स का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग, मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के सिर्फ एक ही एक चाइल्ड हैं, सो ऑब्वियसली पेरेंट्स आपको बाहर भेजने में बहुत हेजिटेट करेंगे। बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि आप मेट्रो सिटी में जाइए। सो ये आपके लिए थ्रेट होगा। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज सारे जगह पे हैं। सो ऐसा नहीं कि अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं जाएंगे या फिर किसी बड़े लोकेशन में नहीं जाएंगे तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। आइडिया इज दैट यू शुड बी अवेयर कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज है, क्या आपकी वीकनेसेस है और क्या आपकी थ्रेट्स है। तो अगर आप रिलोकेट नहीं कर सकते तो ये एक पॉसिबल थ्रेट्स है जो आपको जानना चाहिए, ताकि जब आप जॉब सर्च प्रोसेस और जब आप करियर चूज कर रहे हैं तो आप वैसा करियर चूज करेंगे जहां पे आपके एरियाज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जो सॉट एनालिसिस है, ये आप खुद अपने एक पेपर पे भी बना सकते हैं, या बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इसको आप बना सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है sortanalysis.com। आप कैनवा भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, माइंड मैप भी यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, या फिर एक सिंपल पेपर पे आप एक चार ब्लॉक बनाइए और उस पर भी आप लिख सकते हैं। सो एक कोई जिसमें भी आप कंफर्टेबल होगा, आप डिजिटली कंफर्टेबल हैं तो आप sortanalysis.com में जाके बना सकते हैं, कैनवा में बना सकते हैं। अगर आप डिजिटली कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप एक सिंपल पीस ऑफ पेपर में बना लीजिए। बट ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज वन टाइम एक्सरसाइज। एंड डोंट लाई टू योर सेल्फ। आपको ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप अपने लिए लिख रहे हैं और इसको कोई नहीं देखेगा। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर योर लाइक्स, व्हाट आर योर डिसलाइक्स? आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या पसंद नहीं करते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बेसिस विच यू शुड चूज योर करियर। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट में एक हाई इंटरेस्ट एरिया होता है, एक लो इंटरेस्ट एरिया होता है। हाई इंटरेस्ट एरिया वो होता है जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटे बच्चे का मैं एग्जाम्पल दूँ, तो एक छोटे बच्चा जब भी उसको टाइम मिलता है तो वो जाके अपना ड्राइंग करना शुरू कर देता है। कुछ लोग टीवी देखना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग फ्रेंड से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक हाई इंटरेस्ट एरिया है। हाई इंटरेस्ट एरिया वो है जो आप खुद करना चाहते हैं बिना किसी के बताए। लो इंटरेस्ट एरिया वो होता है जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है। सपोज आपने मैथमेटिक्स नहीं किया तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आपके टीचर बोलते हैं आप जाके मैथमेटिक्स कर लो, या फिर आपके पेरेंट्स किसी म्यूजिक क्लास में आपको डाल दिया है, या फिर किसी डांस क्लास में डाल दिया है, बट आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप इसलिए करते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने इतना एफर्ट लिया है और आप पेरेंट्स को नाराज नहीं करना चाहते हैं, वो इसलिए आप वो करना चाहते हैं। तो ये होता है लो इंटरेस्ट एरिया। सो यू राइट योर इंटरेस्ट एरिया इन हाई इंटरेस्ट एरिया एंड लो इंटरेस्ट एरिया। हाई इंटरेस्ट एरिया आर दोज एरिया द वर्क विच यू वॉन्ट टू डू विदाउट एनी बडी टेलिंग यू टू डू इट। में बहुत सारे आपके आपके कल्चरल फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक छोटे शहर में, छोटे शहर न्यूक्लियर फैमिली में अगर आप बड़े हुए, तो पॉसिबिलिटीज कि आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, आपको दूसरे से बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, आप ज़्यादा असर्टिव लोगों को पसंद नहीं करते होंगे। तो ये चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप एक करियर आपके पसंद का चूज़ कर रहे हैं तो आप प्लीज अंडरस्टैंड दैट एक करियर में सिर्फ आप काम नहीं कर रहे होंगे, आपके सारे कलीग होंगे, आपको एक टीम में काम करना पड़ेगा। तो आपको एक ऐसा करियर चूज करना चाहिए जहां पे आपका पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी लोगों के साथ मैच करता हो, आपका इंटरेस्ट भी लोगों के साथ मैच करता हो। सो ये सब चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है, और इस सब सारे चीज़ों को आप एक प्लेन पेपर पर लिखिए। दिस विल बी ए रेफरेंस व्हेन यू चूज योर करियर।
आपने ये चारों ऑप्शंस अपने बारे में लिख लिया, बट आप देखें कि ये चारों ऑप्शंस आपके बारे में थे, आप क्या चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि मार्केट में क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, वो भी आपको रिसर्च करना होगा, एनालिसिस करना होगा। सो पांचवा पॉइंट है, डू सम रिसर्च एंड फाइंड आउट व्हाट आर द जॉब ऑप्शंस अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट में कौन कौन से जॉब अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया में काम करना चाहते हैं, बट इन करेंट कंडीशन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल। सो आपको हमेशा दो तीन ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। करेंटली ई कॉमर्स सेगमेंट और आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स आर डूइंग वेरी वेल। सो दीज आर सर्टेन एरिया, विच एवर स्पेशलाइजेशन यू हैव, वेदर यू आर ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या फिर आपने एमबीए किया है मार्केटिंग में और एचआर में या किसी भी फील्ड में आप करियर चूज कर रहे हैं, आपको दो तीन सेक्टर्स और दो तीन ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे ताकि वो ऑप्शंस करेंटली मार्केट में अवेलेबल हो। जो आपका पैशन है उसको आप जरूर नोट करिए, बट पैशन आप दो तीन करियर ऑप्शन चूज करिए ताकि जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं भी है तो आप सेकेंड प्रायोरिटी को चूज करिए और करेंटली मार्केट में जॉब को फाइंड आउट करिए। अभी तक जो हमने बात किया वो आप आई एम श्योर आपने एक कागज़ पे लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और स्लो मोड में देखिए और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट इज दैट ये पांच स्टेप्स आपको कंप्लीट जरूर करना चाहिए। एट द एंड ऑफ फाइव स्टेप्स आप देखेंगे कि आपको आपके करियर के बारे में बहुत क्लैरिटी रहेगी। और एक चीज़ दैट ये सारे चीज़ें जो आपने लिखी है बहुत थियोरिटिकल है, तो देर आर लॉट ऑफ साइंटिफिक टूल्स ऑल्सो विच आर अवेलेबल। अगर आप कन्फ्यूज हैं कि आप स्वॉट एनालिसिस कैसे करें, आप अगर कन्फ्यूज हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, सो देर आर वेरी अदर साइंटिफिक टूल्स विच आर अवेलेबल, जो मैं आपको इस सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर देता हूँ जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो देर इज़ ए careertest.com। सो वहाँ पे जाके आपको कुछ कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और एट द एंड ऑफ द टेस्ट आप देखेंगे कि आपके बारे में बहुत सारे चीज़ों को वो बहुत क्लैरिटी से देंगे और वो बहुत सारे जॉब्स भी आपको रिकमेंड, करियर्स भी आपको रिकमेंड करेंगे जो आप कर सकते हैं। द सेकेंड इज testcolor.com। सो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिटेल में शेयर करूंगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ हाउ इन ए साइंटिफिक मैनर, इन ए सिस्टमैटिक मैनर यू कैन चूज द करियर ऑफ योर चॉइस अबाउट विच यू आर पैशनेट अबाउट एंड विच विल गिव यू अर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। आई विश यू ऑल द बेस्ट।